नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के बंगले के दो प्लॉट को लेकर चलने वाला विवाद थम नहीं रहा है। दिलीप कुमार की पत्नी अभिनेत्री सायरा बानू ने इसको लेकर 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर ट्वीट किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी परेशानी सामने रखते हुए एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। यही चाहती हूं कि कुछ तवज्जो दें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब ये जो बात है ये एक मुद्दत से चल रही है, ये जो बात है, ये परेशानी सालों बीते जा रहे हैं और हम बेजार आ गए हैं। तो अब सीएम को भी रेफर किया था ये बात, फडणवीस साहब को, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब पीएम साहब को शामिल करेंगे तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए। 10 साल हो गए हैं और दिलीप साहब की तबीयत अच्छी नहीं रह रही है, क्योंकि ये हालात देख के दिलीप साहब इतने अफसरदा हो गए हैं, इतने उदास हो गए हैं, नेचुरली उनके हेल्थ पे असर पड़ रहा है इस बात का। और इस आदमी जो कि ये लैंड ग्रैबर है समीर भोजवानी, अपना मसल पावर जैसे कहा अभी चिराग ने यूज़ कर रहा है, अपनी दौलत का इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज बेशुमार दौलत है उसके पास। अच्छा, उसके कनेक्शंस भी खूब हैं, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। अब खुदा जाने कि वो पॉलिटिकल वो फंडिंग भी करता होगा। तो जो भी हालात है वो पूरे यानी कि वो एडवांटेज ले रहा है दिलीप साहब की तबीयत नासाज होने का, कि दिलीप साहब की तबीयत खराब है, विच इज सच अ टेरिबल थिंग। आपको बता दें कि सायरा बानो इस बात से बेहद परेशान हैं कि इन सब चीजों का असर दिलीप साहब की सेहत पर पड़ रहा है। दरअसल उनके पाले हिल के मकान को लेकर बिल्डर समीर भोजवानी की रिहाई के मद्देनजर सायरा बानो ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का 16 दिसंबर को अनुरोध किया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि मैं सायरा बानो खान प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं। जमीन माफिया समीर भोजवानी जेल से बाहर आ गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति को धन और बल के आधार पर धमकी दी जा रही है। इसी सिलसिले में आपसे मुंबई में मुलाकात का निवेदन है। आपको बता दें कि इस साल सायरा बानो ने पुलिस से संपर्क किया था और भोजवानी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। जनवरी में पुलिस अपराध शाखा ने दिलीप कुमार के बंगले को कथित रूप से हड़पने की कोशिश के लिए बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज भी किया था। लेकिन अब सायरा बानो प्रधानमंत्री से एक बार फिर मदद की गुहार लगा रही है और उनसे मिलने का वक्त भी मांग रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही।